भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माझ्या प्रिय सोलापूरकरांना अतिशय मनापासून नमस्कार करतो। जय जय राम कृष्ण हरे। सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वराच्या चरणी मी नतमस्तक होतो। भगवान विठ्ठल और जगद्गुरु बसवेश्वरा की इस धरती का ये आशीर्वाद, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर ये जन सैलाब, ये उत्साह साफ साफ बता रहा है, फिर एक बार साथियों, साथियों, ये सोलापुर का प्यार देखिए। ये 2024 में मैं दूसरी बार आपके पास आया, लेकिन साथियों, जब जनवरी में आया था तब कुछ लेकर के आया था, आपके हकों को पूरा करने के लिए आया था, कुछ देने के लिए आया था, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। और मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि आगे मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे यश कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। भाइयों बहनों, एक और आपका ये सेवक मोदी सर झुका करके आपके पास आता रहता है। आपने 10 साल तक मोदी को परखा है
उसके एक एक कदम को देखा है, उसके एक एक शब्द को नापा है। आप मोदी को भली भांति जानते हैं। दूसरी ओर इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? कोई गलती से भी दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं, अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं, और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। आप मुझे बताइए, 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? जरा मन से बताइए ना, मुझे पता चले चल सकता है क्या? कभी भी उस दिशा में हम जा सकते हैं क्या? नहीं चल सकता ना। लेकिन उन्हें अब यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है मलाई। भाइयों और बहनों, ये हमारा महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है। इस धरती ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में ऐसी महान संतानें दी हैं जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत दी, प्रेरणा दी। आपने कांग्रेस के 60 साल का साधन भी देखा है, और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों में जो उनको सत्ता भोगने का अवसर मिला था, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हर हक को रोकने का निरंतर प्रयास किया, और उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी। उनकी फिलॉसफी ये थी कि इनको ऐसे ही रहने दो ताकि वो हमारे आश्रित रहे, और जब चाहे तब हम उनसे जो वोट चाहिए वो लेते रहे।
जानबूझकर के ऐसा किया, लेकिन मोदी का तो आपका दिल का नाता है, दिल का। और इसलिए 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे, और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन न कराया हो। और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके बड़ा हुआ हूं। और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, मैं उनका कर्ज चुका रहा हूं। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। ये भाजपा है जिसने एससी एसटी के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया, फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। हमने किसी का भी हक छीने बिना, न दलित का हक छीना, न आदिवासी का हक छीना, न ओबीसी का हक छूना, लेकिन सामाजिक न्याय के उत्तम व्यवहार को लेते हुए हमने जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण उनको भी दिया, और देश में कोई आग नहीं लगी, पुतले नहीं जले। इतना ही नहीं, इस देश के सभी दलित नेताओं ने उसका भरपूर जोश स्वागत किया। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद पैदा करने का नहीं है, समाज को जोड़ने का है। आज देखिए, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हमने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किया है। आज कुछ लोगों को वो जरा मजाक लगती होगी, लेकिन हमने तय किया है, मुझे अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनाना है, गरीब मां की बेटी को भी डॉक्टर बनाना है, मुझे गरीब मां के संतानों को इंजीनियर डॉक्टर बड़ी बड़ी पदों पर ले जाना है। लेकिन क्या हर गरीब के नसीब में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना संभव है क्या भाई? क्या हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है क्या? अगर वो मराठी मीडियम में पढ़ता है तो उसका गुनाह क्या है? ये ऐसे लोग सरकार चलाते थे, अगर आप मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपके लिए भविष्य के लिए ताले लग जाते थे। मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए कह दिया, अब डॉक्टर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन सकते हो, इंजीनियर बनना है तो भी मराठी भाषा में बनकर सकते हो, अंग्रेजी नहीं आएगी तो भी आप देश चला सकते हो। भाइयों बहनों, ये मोदी का सपना है। साथियों, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी लीडरशिप, देश का नेतृत्व करे। ये वही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम जी तक हर दलित नेता का अपमान किया। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला
जब बीजेपी से सहयोग के केंद्र में कांग्रेस विरोधी सरकार चलती थी। भाजपा का हमेशा प्रयास रहा है कि एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। 2014 में आपने प्रचंड बहुमत दिया तो एनडीए ने दलित के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया। 2019 में जब आपने फिर से एक बार हमें प्रचंड जनादेश दिया तो हमने देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी बेटी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में आज प्रस्तावित किया। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद पहली बार हुआ है, आजादी के बाद पहली बार ये दशक ऐसा आया है कि आज विधायकों की संख्या देख लीजिए, सांसदों की संख्या देख लीजिए, पूरे देश में एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एससी एसटी ओबीसी सबसे ज्यादा भाजपा के चुन करके आते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% इन्हीं वर्गों से आए हुए लोग केंद्र के मंत्री हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कि इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। पूरी डिक्शनरी उन्होंने खोल के रख दी है, नई नई गालियां रोज निकालते रहते हैं। अरे भाई, कुछ देश के लिए तो बोलो। नहीं, उसके पास विजन नहीं जी। हमारे पास विजन भी है और ये जीवन भी है विजन के लिए खपाने के लिए। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं मैं देने के लिए कमिटेड हूं। मैं आज देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग, जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है
और प्रयोग भी शुरू कर दिया है। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दूं। कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला है, आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी को देने का खेल खेला है, ये मैं होने नहीं दूंगा। और इसलिए आपसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, मोदी को मजबूत करो। साथियों, कांग्रेस के 60 वर्षों के राज में देश में सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी परिवार ही, उन्हीं के सबसे ज्यादा हाल खराब रहे। आप अपने गांव में देख लीजिए, अगर गांव के बाहर झोपड़ी में रहना पड़ता है कौन है, हमारे एससी समाज के लोग हैं। मुसीबत में जीना पड़ता है कौन है, हमारे एसटी समाज के हैं। तकलीफों में जीना पड़ता है कौन है, हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं। मोदी ने इन परिवारों को ही अपनी प्राथमिकता बनाया। 10 वर्षों में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमने बनाई, हमारी योजना सबके लिए है, बिना भेदभाव के हैं, समाज के हर वर्ग के लिए है। और स्वाभाविक है, जो लोग 50-60 साल से पिछड़े हुए थे उनको उसका लाभ पहले मिल रहा है। और हम तो मानते हैं इस देश की संपत्ति का पहला अधिकार उन लोगों का है जो पंक्ति में आखिर में बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी भी यही कहते थे, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्के घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, ये सब कुछ सबसे ज्यादा वंचित समाज को जरूरत थी। और वंचित समाज की वो आकांक्षाएं आजादी के इतने सालों के बाद आपका सेवक मोदी पूरी कर रहा है। भाई वहां वो सज्जन तस्वीर लेके आए हैं, मैंने तस्वीर देख लिया, बैठिए, पीछे आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका मैं बहुत आभारी हूं आपके प्यार के लिए, लेकिन औरों को परेशान मत करो भाई। एससी एसटी ओबीसी परिवारों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए हमारी सरकार घर घर पहुंची है, गांव गांव पहुंची है। साथियों, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा देश के जिलों को ही पिछड़े घोषित करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी और एसटी परिवार के लोग रहते हैं। हमने उसको एक नया रूप दिया, नया मिशन लिया, और हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, आकांक्षी जिला बनाया, और उसका मेरी ऑफिस से डेली मॉनिटरिंग होता है। परिणाम यह है कि गरीबों की भलाई के लिए की योजनाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक की योजनाएं, डेली मॉनिटरिंग, हर चीज की जानकारी, उसका परिणाम यह है कि आज 10 साल के मोदी के कार्यकाल में इतने कम समय में देश में पहली बार 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं भाइयों। और ज्यादातर इन्हीं जिलों से लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही होती है ना, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, भाजपा का सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो सीमा के जो गांव है, जिनको ये लोग आखिरी गांव कहते थे, मैं उनको सबसे पहले कहता हूं गांव। दुनिया के किसी को देश को एंट्री होना है ना, सूरज की पहली किरण भी वहीं आती है जी।
और सूरज डूबता है तो आखिरी किरण भी वहीं से वो आती है। गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों चलता है? वहां तो वोटर ही नहीं है, इन्हें वोटर है, लेकिन मेरे लिए वोटर मायने बाद में रखता है, पहले वो मेरे देश का नागरिक है। मेरे देश का 140 करोड़ नागरिक में से एक है वो मेरी सीमा का प्रहरी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती तो 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बना करके आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए अलग से योजना न बनाता और उनके कल्याण के लिए काम न करता। ये वोटर ज्यादा नहीं है, संख्या कम है, लेकिन मेरे देश के आखिरी व्यक्ति को भी मैं मजबूत बनाना चाहता हूं। हमने विश्वकर्मा योजना लाए, जिनके हाथों में सामर्थ्य है, जिनकी उंगलियों में सामर्थ्य है, ऐसे देश में लाखों लोग हैं। ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथी एससी समाज में, एसटी समाज में, ज्यादातर ओबीसी समाज है। 60 साल में कांग्रेस ने कभी पूछा नहीं, मोदी ने पहली बार इन साथियों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। भाई और बहनों, गरीब कल्याण की इन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ एससी एसटी ओबीसी परिवार की हमारी माता और बहनों को हुआ है। शौचालय के अभाव में, सैनिटरी पैड के अभाव में ज्यादातर हमारी बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। अब मोदी ने यह समस्या दूर कर दी है। बिना गारंटी के मुद्रा लोन पाने वाले 50% से ज्यादा लाभार्थी एससी एसटी ओबीसी है। इनमें से 70% लोन हमारी माता और बहनों को मिला है। ये जो हमारी खादी है ना, खादी स्वतंत्रता आंदोलन की निशानी है। और तो मैं तो कहता हूं, आजादी के पहले लोग कहते थे और आजादी के बाद क्या, तो मैं तो एक वाक्य में कहता हूं, पहले खादी फॉर नेशन, नाउ खादी फॉर फैशन। कांग्रेस ने तो उस खादी को भी बर्बाद कर दिया था। खादी के काम में भी बड़ी संख्या में हमारे यही समाज के लोग हैं जो अति वंचित लोग हैं। मोदी ने खादी को फिर से जीवंत कर दिया। साथियों, कांग्रेस ने तो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया था। आर्टिकल 370 बनाकर कांग्रेस ने देश के संविधान का अपमान किया था। एनडीए सरकार ने, मोदी ने 370 हटाई तो सामाजिक न्याय का अधिकार जम्मू कश्मीर में हमारे जो लोग हैं उनको मिला। पहली बार उनको एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को वहां अधिकार मिला है, उनको आरक्षण मिला है। भाइयों बहनों, यह है सामाजिक न्याय का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। इसलिए पूरी इंडिया गाड़ी बौखलाई हुई है। साथियों, सामाजिक न्याय का एक और तरीका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी है। कांग्रेस ने बरसों तक गांवों और शहरों में खाई बनाकर रखी, कुछ ही शहरों के विकास पर फोकस किया। एनडीए सरकार देश के हर कोने के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक क्षेत्र पंढरपुर यात्रा से जुड़े श्रद्धालुओं का तीर्थ है। यहां तो तुलजा भवानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आशीर्वाद दिया था। 10 साल में हमने पंढरपुर की रेलवे कनेक्टिविटी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। पुणे फलटण रेल मार्ग जो 23 साल से अटका पड़ा था, हमने उसको पूरा कराया। हमने सोलापुर हैदराबाद, सोलापुर सांगली, सोलापुर बीजापुर, ऐसे कई महामार्ग के काम शुरू किया। सोलापुर को तो महाराष्ट्र की पहली वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। शक्तिपीठ महामार्ग से समुद्री महामार्ग जैसे हाईटेक सड़कों के काम भी हो रहे हैं। इन विकास कार्यों के कारण इस क्षेत्र में श्रद्धाओं के लिए संख्या में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारे वारकरी भाई बहनों के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां युवाओं के लिए आस्था और पर्यटन से जुड़े नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी की सरकार आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा अनुरोध है, 7 मई को आप मेरे नौजवान साथी राम सतपुते जी को
भारी संख्या में वोट दे। राम सतपुते जी सोलापुर के विकास के लिए एक मजबूत कड़ी बनकर के काम करेंगे। और जब आप कमल पे निशान पर बटन दबाओगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, हर पोलिंग बूथ जीतोगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे, जब मेरा एक और काम करोगे, यहां से अपने परिचितों को जाकर के मिलना, उनके घर जाना, उनको कहिएगा कि मोदी जी सोलापुर आए थे, आपको प्रणाम भेजा है, मेरे प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।